हे हाई फ्रेंड सो वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर टू ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ये जनरली स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफिकल्ट फेस होता है ये टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का क्योंकि हमने ऑक्सीेशन नंबर और उसके रूल्स और ऑफकोर्स काफ़ी सारे एक्जाम्पल्स अंडरस्टैंड कर लिए हैं जहाँ पर हम ऑक्सीेशन नंबर निकाल सकते हैं तो जो अगला स्टेप जो आप चैप्टर में आता है दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को बट अफकोर्स मेरा काम है कि मैं एकदम सिंप्लीफाई करके आपके सामने इस टॉपिक को प्रेजेंट करूं। तो फ्रेंड्स बैलेंसिंग ऑफ रिटॉक्स रिएक्शन करने के हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या इसे हम लोग कौन नाम से जानते हैं दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड तो हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड ये हमारे पास दो नाम है तो ओवरऑल हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करते हैं सो इन द वेरी फर्स्ट मेथड वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हाउ एवर इन द सेकंड मेथड वी आर नॉट गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वी आर गोइंग टू सेपरेट द टू रिए वी आर गोइंग टू बैलेंस दम इंडिविजुअली एंड इट इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन मैथड ना आई हैव हाईलाइटेड सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस टू मैथड सी दिस फीचर्स मे वैरी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स ओके

इसका मतलब ये ऑफ कोर्स कंफ्यूजन इसमें थोड़ा सा देखने को मिलता है तो टफ हो जाता है लेकिन याद रखो ये टाइम सेविंग है मतलब ये मेथड आपको जल्द से जल्द रेड ऑक्सीडक्शन को बैलेंस करके आपके सामने रख देगा ठीक है और इस मेथड को अगर आप डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए बैलेंस कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे तो वहाँ पर जो लेवल ऑफ कन्फ्यूजन है वो एक अलग लेवल पर चले जाएगा और आप गलत कर देंगे तो मेरी सजेशन है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसे डिस्प्रपोर्शनेशन मेथड के लिए या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए अप्लाई ना करें ठीक है अच्छा वेल well, मैं आपको लेक्चर में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस करके दिखाऊंगा ठीक है दट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई गोइंग टू डू दैट बट एक सजेशन है अगर इन सजेशन को फॉलो किया इन गाइडलाइंस को फॉलो किया तो आपके एमसीक्यूज फटाफट बन जाएंगे और आपका टाइम बचेगा दूसरी तरफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रिलेटिवली रिलेटिवलीजी है इट इज ईजी कंपेयर टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ईजी uh, है इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लेता है क्योंकि आपको रिएक्शन को अलग अलग करना पड़ता है तो आपके पास हाफ रिएक्शन हाफ यानी कि ऑक्सीडेशन अलग रिडक्शन अलग इन सबकी बैलेंसिंग अलग अलग करनी पड़ती है तो टाइम ज्यादा लग जाता है तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमर है यहां पे आपकी टाइम ज्यादा लग जाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए येस yes, इसको बैलेंस अगर आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो मेरी एक सलाह है मेरी एक एडवाइस है कि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को फॉलो करिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उससे बैलेंस आसानी से हो जाएगा सिंपली बिकॉज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन uh, में एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और एक ही रिड्यूस हो जाता है और हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड क्या करता है दोनों को अलग अलग बैलेंस करता है तो रियक्शन uh, जो क्रिएट होता है अगर आप उनको साथ में बैलेंस करते हैं तो वो दूर हो जाता है सो तो देर फॉर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड शुड बी प्रेफर्ड फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन मेथड सिर्फ डिस्प्रपोर्शने के लिए करना है और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिर्फ डिस्प्रपोर्शन को बैलेंस करने के लिए नहीं करना है आप दोनों Method, किसी भी रिएक्शन के लिए दोनों मेथड अप्लाई करेंगे और हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो हम हम लोग लोग आने वाले वाले लेक्चर्स में हम दोनों मेथड अप्लाई करके भी रिएक्शंस को बैलेंस करने वाले हैं ठीक है बट एक सजेशन है अगर आपने इसे फॉलो किया तो ऑफकोर्स आपके एमसीक्यूज जल्द से जल्द बन जाएंगे ठीक है टू मेथड्स आई एम नॉट गोइंग टू राइट नाउ because I want to make you aware of the three important prerequisite which you must know in order to balance redox reaction. And what are those three important prerequisites? Prerequisite का मतलब ये होता है जो आपको पहले मालूम होने चाहिए अगर आप किसी भी redox reaction को balance करना चाहते हो तो क्या है वो तीन prerequisite? The very first prerequisite H plus OH minus in water, these are referred as spectator ions. Spectator ion इन्हें कहा जाता है. Spectator ion किसे कहते हैं? Spectator ions are those whose oxidation number do not changes. यानी कि जिनका oxidation number change ना हो, उन्हें हम कहते हैं spectator ion. वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन को ऑब्ज़र्व करते हैं सो तो उन्हें हम ऑब्ज़रवर भी बुला सकते हैं रियल लाइफ अगर आपको मैं एक फीलिंग दूँ इंस्पेक्टर पेक्टर का क्या होता है तो फ्रेंड एक क्रिकेट गेम चल रहा है सो तो वहाँ पर ऑफकोर्स टू टीम्स आर प्लेइंग एंड देर आर ऑडियंस हु आर सिटिंग आउटसाइड द ग्राउंड इन द स्टेडियम सो स्टेडियम में आप अगर देखेंगे जहाँ पे वो बैठे हैं तो वो मैच को ऑब्जर्व कर रहे हैं दे आर जस्ट वॉचिंग द मैच दे आर नॉट कमिंग इनसाइड द फील्ड एंड प्लेइंग Uh, with those uh, regular players, right? So they are just observer. We call them spectator, right? So these H plus oh minus and water, these are spectator ions because their oxidation number do not changes. In short, they are not playing the reaction. They are not, you know, reaction mein वो khel खेल नहीं रहे हैं. ठीक just like एक uh, darshak स्टेडियम के स्टेडियम में बैठा है, वो सिर्फ मैच को देख रहा है, अंदर आके खेल नहीं रहा है वो. ठीक है. The second prerequisite which I want from your side, if you want to balance the reaction in the acidic medium, then you need to use H plus water. ओके एच प्लस और वाटर का इस्तेमाल करना है अगर आपको रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तब जब आपकी रिएक्शन आयोनिक फॉर्म में हो रही है आयोनिक फॉर्म में अगर आपकी रिएक्शन हो रही है देन यूनिट टू यूज एच प्लस इन वाटर अच्छा आयोनिक फॉर्म में लेकिन अगर आपकी रिएक्शन मोिकुलर फॉर्म में चल रही है अगर आपकी रिएक्शन मोिकुलर फॉर्म में चल रही है तो आप एच टू एस ओ फोर या एच सी एल यूज़ कर सकते हैं और आप बोलेंगे सर एच टू एस ओ फोर ही क्यों या एच सी एल ही क्यों या आपको रिएक्शन की शक्ल देख के उस टाइम आइडिया लग जाएगा तो अभी हम लोग उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं कि कौन सा एसिड हमको मॉलिकुलर फॉर्म में यूज़ करना है जैसे रिएक्शन आएगी हमें ये आइडिया लग जाएगा एग्जाम्पल लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा लेकिन अगर आपको रिएक्शन बेसिक मीडियम बैलेंस करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा ओ एच माइनस एंड वाटर ओ एच माइनस एंड वाटर ये रिएक्शन ये तब आपको यूज करना जब आपकी रिएक्शन आयोनिक फॉर्म में है और अगर आपकी रिएक्शन मॉलिकुलर फॉर्म में चल रही है सी तो यू मस्ट यूज के ओ एच और एन ओ एच वंस अगेन के ओ एच एन ओ एस ही क्यों यूज करना है ये रिएक्शन की शक्ल देखकर आपको पता चल जाएगी सो so यहाँ से हमें दो और बातें पता चल गई हैं क्या बातें पता चल गई हैं कि हमारे पास एक स्पेक्टेटर आयन करके कुछ होता है स्पेक्टेटर आयन क्या करता है जो सिर्फ रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है ठीक है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है दूसरी बात हमें पता चले कि हमें रिएक्शन को दो ही मीडियम में बैलेंस करना है पहला है एसडिक मीडियम और दूसरा है बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में हमें यूज करना है एक्सप्रेस एंड वाटर बेसिक मीडियम में यूज करना है ओ एच माइनस एंड वाटर आई होप आपको ये तीन इंपॉर्टेंट पूरी रिक्विजिट बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के एस्पेक्ट में समझ में आ चुका है अब हम लोग बढ़ते हैं रूल्स की तरफ और फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हमारे पास दो मेथड्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तो उसमें से जो मैं सबसे पहली मेथड डिस्कस कर रहा हूं द वेरी फर्स्ट मेथड विच आई एम ट्राइंग टू डिस्कस इज हाफ रिएक्शन मेथड क्योंकि फ्रेंड हाफ रिएक्शन मेथड में होता क्या है जरा मैं आपको इसका एक हिंट दूंगा फिर मैं आपको रूल्स की तरफ लेके चलूंगा ध्यान से देखो फ्रेंड अगर आप ये रिएक्शन को ध्यान से देखें जेड एन प्लस सी यू टू प्लस गिविंग यू जेड एन टू प्लस प्लस सी यू ठीक है ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऐसी मैंने बना दी है ठीक है आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ रिडॉक्स uh, रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे प्लस टू है तो यहाँ पर जीरो से प्लस टू ऑफकोस इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन प्लस टू से हम लोग जा रहे हैं जीरो मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग बस इतना काम करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन को अलग कर देंगे और रिडक्शन को अलग कर देंगे और उनको इंडिविजुअली बैलेंस करेंगे तो ये देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसी है जिंक गिविंग यू जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन या हो गया आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सी यू टू प्लस टेकिंग दैट टू इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इन टू सी यू ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन अब इनको इंडिविजुअली बैलेंस करना है अब फॉर्चुनेटली ये रिएक्शन इंडिविजुअली बैलेंसड हैं तो हमें कोई अलग बैलेंसिंग uh, टेक्निक की अभी ज़रूरत नहीं है क्यों बैलेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जिंक है यहाँ पर भी एक जिंक है यहाँ पर ओवरऑल ज़ीरो चार्ज है यहाँ पर प्लस टू पॉजिटिव And negative, मतलब को एड कर देना है और एड करते कर हैं कि इक्वलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ये यहाँ पर इक्वलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है

तो उनकी बैलेंसिंग हम के लिए हम लोग कुछ सर्टन रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो बेसिकली मैं आपको सिखा रहा हूं हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है एक बार अगर आपने हाफ को बैलेंस करना करना सीख लिया तो बस आपको इक्वलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दोनों को एड करके कंप्लीट रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं तो चलिए आइए कुछ रूल्स के बारे में जानते हैं सो फ्रेंड देर आर फोर रूल्स मैं आपको एक स्क्रीन में पहले इन चार रूल्स को दिखा देता हूँ कि आपको इन चार रूल्स को फॉलो करना है तो हमारे पास चार रूल्स हैं और उनको हम लोग कैटेगराइज करने वाले हैं चार स्टेप्स में सो वी हैव स्टेप स्टेप

जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा है यानी कि उसे छोड़कर है तो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है MnO4- एन ओफोर माइनस कन्वर्टिंग इन टू प्लस तो अगर आप यहां पर मैगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा प्लस सेवन और प्रोडक्ट में ये मिलेगा प्लस टू तो फ्रेंड प्लस सेवन से प्लस टू जा रहा है मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है मतलब ये आपका रिडक्शन है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड में एम है देखिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पर एम है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है यहां राइट साइड में सिर्फ एम है और ऑक्सीजन नहीं है लेकिन पहला तो कहता था मैगनीज तो एक है और यहां पर भी मैगनीज एक है यानी कि आपका जो एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था इसमें तो हाइड्रोजन है भी नहीं भी फिलहाल के लिए तो क्योंकि आपका एटम अदर देन ऑक्सीजन मैगनीज ऑलरेडी बैलेंस है तो आपको यहां पर स्टेप वन को एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है अबाउट स्टेप वन अभी और एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको क्लियर में वहां समझा दूंगा कि कैसे कैसे अभी हमें काफी सारे एग्जाम्पल्स लेने कम से कम दस एग्जाम्पल लेना है लिख के ले लो दस एग्जाम्पल्स ठीक है आ जाओ स्टेप टू अब जैसे ही आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इग्नोर किया अब आप उन्हें भी बैलेंस करने लगी स्टेप टू एज बैलेंस ऑक्सीजन यूनिट टू बैलेंस ऑक्सीजन आइटम डिजायर्ड मीडियम अब ये डिजायर्ड मीडियम आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारे पास दो ही मीडियम है हमारे पास है एक एसिडिक मीडियम और हमारे पास है एक बेसिक मीडियम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तो चलिए पहले एसिडिक मीडियम में देखते हैं अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में चल रही है देन हाउ यू कैन बैलेंस ऑक्सीजन यू नीड टू ऐड वाटर ऑन दैट साइड ऑन दैट साइड विच यू नो विच ऑक्सीजन डेफिशिएंट एंड ऐड डबल द नंबर ऑफ एच प्लस ऑन ऑपोजिट साइड सी यहां पे सिंपल सी बात ये कही गई है कि आपको पानी ऐड करना है उस साइड पर उस एक दो ही साइड है आपके पास या तो लेफ्ट साइड है या तो राइट साइड so एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे देखो यहां पे मैंने एक एक ले रखा था चलो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ये देखो फ्रेंड अगर आप ध्यान से देखें मैं पे बताना ये चाहता हूं कि लेफ्ट साइड पे चार ऑक्सीजन है और राइट साइड पे तीन ऑक्सीजन है और आप रिएक्शन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम का हमने जो डेजिग्नेशन है वो आर पे दे दिया है कि भाई एच प्लस है मतलब एसिडिक मीडियम है ना लेफ्ट साइड पे चार है और राइट साइड पे तीन ऑक्सीन है सो तो फ्रेंड डिफरेंस कितना है फोर माइनस थ्री मतलब वन का डिफरेंस है फोर माइनस थ्री मतलब वन का डिफरेंस है मतलब आपको एड करना पड़ेगा वन वाटर मॉलिक्यूल अच्छा ये तो हमें पता चलेगा तो कितना ऐड करना है अब सवाल ये आता है कि कहाँ ऐड करना है सो so, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड ऑक्सीजन कम है सो राइट साइड में तीन ऑक्सीजन है और लेफ्ट साइड में चार ऑक्सीजन है सो so, डेफिनेटली आपको पानी ऐड करना पड़ेगा राइट right साइड में क्योंकि राइट right साइड में ऑक्सीजन कम है अब अगर आप देखें तो यहां पे तीन ऑक्सीजन और यहां पर एक ऑक्सीजन होगा तो टोटल चार ऑक्सीजन और लेफ्ट साइड पर भी है चार ऑक्सीजन आप बोलोगे सर दिख तो नहीं रहा चार ऑक्सीजन कहाँ पर बना दिया आपने तो फ्रेंड ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ओके अब जैसे ही आपने पानी लिखा अब आप देखिए जैसे ही आपने पानी लिखा एच टू ओ में एच टू एडिशनली आ गया अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम हम तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते थे यहाँ पे एच टू एडिशनली आ गया है तो क्योंकि एच टू राइट साइड में दिख रहा है तो एच टू को अगर आपको बैलेंस करना है तो लेफ्ट साइड में यानी कि उस साइड जहां पर एच टू कम दिख रहा है आपको यानी कि ऑपोजिट साइड ऑफ द वॉटर यूनिट टू एड टू एच प्लस यूनिट टू एड वॉट टू एच प्लस ये हमारा थर्ड स्टेप में आने वाला है बट आपको एडिशनली मैं अभी से एडवांस में बता देता हूं यह था आपका एसिडिक मीडियम तो इन शॉर्ट यू नीड टू एड वाटर मॉलिक्यूल ऑन टू दैट साइड वेर देर इज अ ऑफ ऑक्सीजन एंड यू हैव टू एड डबल नंबर ऑफ एच प्लस ऑन टू द दाइड वेयर एडेड वाटर मॉलिक्यूल ओके सो एसिडिक मीडियम का ये लॉजिक है बेसिक मीडियम का क्या लॉजिक है वॉट इज द लॉजिक बिहाइंड बेसिक मीडियम यू नीड टू एड वाटर ऑन दैट साइड वेयर ऑक्सीजन इज रिच ऑक्सीजन इज रिच का मतलब सिंपल है कि यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है पे उल्टा हो रहा है कि आपको वहां पानी डालना है जहां पे ऑक्सीजन ऑलरेडी ज्यादा है ठीक है और क्योंकि आप वाटर ऐड कर रहे हो तो हाइड्रोजन भी एडिशनली आ गया है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्योंकि आप बेसिक मीडियम कर रहे हो तो आपको यूज करना पड़ेगा ओ एच माइनस ऑन दी ऑपोजिट साइड सो जैसे ही देखिए आप इन बातों को जरा समझिए एसिडिक मीडियम में आपने एच प्लस से बैलेंस किया जैसे ही आपने पानी डाला ऑपोजिट साइड एच प्लस डाल दिया बेसिक मीडियम में जैसे ही आपने पानी डाला ऑपोजिट साइड आपको क्या डालना है ओ एच माइनस तो चलो देख लेते हैं यहां पर आ, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह हमें ऑक्सीजन वहां डालना है हमें वाटर वहां डालना है जहां पर ऑक्सीजन ऑलरेडी ज्यादा है चलो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा हुआ है, है तो यहां पे फ्रेंड चार ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में और यहां पे तीन ऑक्सीजन है और ओ OH एच माइनस हमने लिख दिया है कि हमारा जो रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में चल रहा है तो आप जरा ध्यान से देखिए फोर माइनस थ्री डिफरेंस कितने है का है फ्रेंड का डिफरेंस है वन का डिफरेंस है मतलब हमें ऐड करना है वाटर मॉलिक्यूल पहली बात तो क्लियर हो गई होगी okay. अब कहा ऐड करें तो जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां ऐड करें यानी कि मैं यहां पर ऐड करूंगा वाटर मॉलिक्यूल तो यहां मैंने ऐड कर दिया वन वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आपने यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया अब आप काउंट कीजिए अब यहां पर टोटल हो गया पांच ऑक्सीजन और यहां पर अभी भी कितने हैं तीन ऑक्सीजन हैव याइव यानी हैव यी Now find out the difference. 5 minus 3 difference is 2. Then you need to add 2 OH minus onto the opposite side in order to balance oxygen. And automatically hydrogen will be balanced. आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कर लीजिए बिल्कुल यहाँ पे पांच ऑक्सीजन है यहाँ पे तीन और दो हो गया ना पांच फ्रेंड्स यस पांच हो गए यहाँ पर भी हाइड्रोजन यहाँ पे फ्रेंड दो थे और आप देखो यहाँ पर एक OH एच माइनस में एक एच है तो में दो एच माइनस पे नेचुरली दो हो होगा तो लेफ्ट साइड पर भी दो हाइड्रोजन और राइट साइड पर भी दो हाइड्रोजन इस तरह से आपने ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस कर दिया है आई होप यू अंडरस्टूड द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग डिजायर्ड मीडिया नाउ जैसे आपने स्टेप वन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इग्नोर कर दिया स्टेप टू में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया अब ज़रा हाइड्रोजन की भी तो बैलेंसिंग कर लीजिए सो फ्रेंड बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन कभी भी अगर आपको अगर आपको एडिशनली कहीं को, कोई हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है तो प्लीज़ उसे हमेशा H प्लस के जरिए बैलेंस कीजिए अगर आपको कोई एडिशनली हाइड्रोजन ऐसा दिख गया कि नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उसे H प्लस के जरिए ही बैलेंस करिए और कॉन्सेप्ट ये है एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एच प्लस ऑन द साइड साइडियंट विद हाइड्रोजन सिंपल लॉजिक चल रहा है जहां पर आपको एच प्लस वहीं डालना है जहां पर हाइड्रोजन कम है तो चलिए यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं एक example लेते हैं ये जो हमारा एग्जाम्पल है मैं यहां पे इसे वापस लिखता हूं देखो दे फोर माइनस कन्वर्टिंग इन टू एम एन टू प्लस ये हमारा एग्जाम्पल है तो चलो स्टेप वन अप्लाई करते हैं स्टेप वन अप्लाई करेंगे हम लोग तो आप देखिए स्टेप वन को एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं उसे एज इट इज लिख देता हूँ क्योंकि हमारा जो एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो है मैगनीज और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है ये हो गया आपका स्टेप वन स्टेप टू पर आते हैं फ्रेंड्स स्टेप टू पे अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की बारी आ गई है बैलेंस करने के लिए और मैंने आपको बता दिया है कि दिस रिएक्शन इज परफॉर्म्ड अंडर एसिडिक कंडीशन कंडीशन में रिएक्शन चल रही है तो अब आपको आ, वाटर के जरिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और आपको पानी वहाँ डालना है जहाँ ऑक्सीजन कम है तो पहला सवाल तो ये आएगा कि कितना पानी डालें तो बहुत सिंपल सा उसका आंसर है लेफ्ट साइड में चार ऑक्सीजन है राइट साइड में जीरो ऑक्सीजन है मैथ्स लगाइए फोर माइनस जीरो डिफरेंस हो गया फोर का आपको ऐड करने हैं चार पानी के मॉलिक्यूल कितने ऐड करने हैं फ्रेंड्स चार पानी के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं बड़ा सवाल कहां ऐड करना है तो ये मीडियम है आपको पानी वहां ऐड करना है जहां ऑक्सीजन कम है यानी कि राइट हैंड साइड में ऐड करना है सो तो चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करके लिख देता हूं एम माइनस गिविंग यू एम एन टू प्लस प्लस हाउ मेनी वाटर फोर वाटर मॉलिक्यूल नाउ अब देखिये फ्रेंड स्टेप्स को पहचानिए डिफरेंसेस को पहचानिए लेफ्ट साइड पर जीरो हाइड्रोजन है बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है राइट right साइड में टोटल एट हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं तो वन से केंड मैथ्स लगाइए आप यहां पर टोटल एट हाइड्रोजन यहाँ पर है जीरो हाइड्रोजन एट माइनस जीरो का डिफरेंस निकालिए हो गया आपका एट यानी आठ हाइड्रोजन आपको कम पड़ रहे हैं और क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में चल रहा है मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की बैलेंसिंग आपको हमेशा H प्लस के जरिए करनी है तो आप कितना H प्लस डालेंगे आठ दूसरा सवाल कहां डालेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम है लेफ्ट हैंड साइड तो ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स ये देखिए यहां पर हो जाएगा एट एच प्लस प्लस एम एनोफोर माइनस यू एम एन टू प्लस प्लस फोर एच टू ओ तो फ्रेंड्स अब आप काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं बैलेंसिंग के ये था आपका थर्ड स्टेप जहाँ पर आप हाइड्रोजन के जरिए H प्लस को बैलेंस करते हैं ठीक है H प्लस के जरिए हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं एंड द लास्ट स्टेप द लास्ट स्टेप चार्ज नाउ इट्स द पॉइंट इज चार्ज क्यों चार्ज की बात आ रही है भाई देखिए फ्रेंड्स आप किसे डील कर रहे हैं आप तो हाफ रिएक्शन को डील कर रहे हैं ठीक है और आप देखेंगे हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा आता ही आता है कैसे कैसे आता है ये देखिए मैं आपको एक्जाम्पल देता हूँ अभी हमने यहाँ लिया था एक एग्जाम्पल कहां गया ये देखो फ्रेंड यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था ये देखिए फ्रेंड ये है आपके कंप्लीट रिडक कंप्लीट या तो फिर फुल रिएक्शन ये आपके फुल रिएक्शन है जिसे हम लोग बुला रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसे हम लोग बुलाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे बुलाएंगे रिडक्शन रिएक्शन करेक्ट ओके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो फुल रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन में आप मुझे बता दिए कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आर यू एबल टू सी इलेक्ट्रॉन एनी वेयर इन अ फुलटॉक्स रिएक्शन आंसर इज नो ओके कंप्लीट रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा उसका लॉजिक अगले ही कंक्लूजन से आने वाला है क्योंकि हाफ रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखते हैं यू आर एबल टू सी इलेक्ट्रॉन इन द हाफ रिएक्शन रैडिंग हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर गेटिंग कैंसल्ड एंड बिकॉज ऑफ दट यू आर नॉट एबल टू सी इलेक्ट्रॉन इन अ फुल रिएक्शन हाफ रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखने वाले हैं और अभी हम लोग किसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग कर रहे हैं ना तो हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है चार्ज अगर आपको बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन में तो आपको इलेक्ट्रॉन की मदद लगेगी और वो हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही बैलेंस होगा सो so, क्या लॉजिक है इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू दैट साइड वेर चार्ज इज मोर यानी कि जहां पर चार्ज ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है जरा समझते हैं इस बात को इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रॉन कंटेज नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल चार्ज आपका तो कम ही होगा तो ज़रूरी बात है आप उसे वहीं ऐड करेंगे जहां पर चार्ज ज़्यादा है उसे कम कर, कर आप उसे बैलेंस कर देंगे लेफ्ट और राइट की बैलेंसिंग आप कर देंगे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो ज़्यादा समझेगा हैवल लुक अब यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ फोर्थ स्टेप लेफ्ट साइड पर चार्ज कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा हम लोग अच्छे से हैवल लुक एट पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज दैट मीन यू हैव सेवन पॉजिटिव चार्ज यू है पांच यूनिट ऑफ चार्जेस का डिफरेंस है यानी कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन एड करने हैं आंसर है फाइव कितने इलेक्ट्रॉन एड करने हैं फाइव तो हमें दो आंसर चाहिए होते हैं पहला हमें कितना एड करना है हमें कहां ऐड करना है सो so, कितने का आंसर मिल गया है फाइव इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ऐड करना है है उसके लिए हम लोग देखेंगे चार्ज ज्यादा लेफ्ट साइड पे सेवन पॉजिटिव चार्ज है राइट right साइड पे टू पॉजिटिव चार्ज है तो नेचुरली चार्ज कहां ज्यादा है फ्रेंड लेफ्ट साइड पे वहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा फाइव इलेक्ट्रॉन तो ये देखिए फ्रेंड ये हो जाएगा एट एच प्लस प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन प्लस एम एनोफोर माइनस ल गिव यू एम एन टू प्लस प्लस फोर एच टू नाउ दिस इज योर कंप्लीट बैलेंस्ड हाफ रियक्शन आपका कंप्लीट बैलेंस हाफ रियक्शन है चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं मैगनीज एक है यहाँ पर राइट right साइड में भी एक है देखिए यहाँ पर मैगनीज एक है यहां पर भी एक है ऑक्सीजन कितने है, फ्रेंट चार है यहां पर भी चार है हाइड्रोजन फ्रेंड पर है, यहां पर भी है है भी चार्जेस काउंट कर लीजिए फ्रेंड एट पॉजिटिव फाइव नेगेटिव एंड वन नेगेटिव दैट मीन नेगेटिव सो यहाँ पे आपके पास बचे टू पॉजिटिव और यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर टू पॉजिटिव तो देखिए फ्रेंड एटम भी बैलेंस है चार्ज भी बैलेंस है ये देखिए आपका हो गया बैलेंस तो so, चार स्टेप्स लगाने हैं आपको पहला स्टेप यूनिट बैलेंस एटम्स विच आर अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी आपको एटम दिख रहा है उसे बैलेंस कर लीजिए तो मैंने यहाँ पर ये एक वर्ड पकड़ लिया कौन सा वर्ड पकड़ लिया मैंने ए वर्ड पकड़ लिया ए फॉर एटम तो हम लोग एटम जब बोलेंगे तो हम लोग अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमें ये याद रहेगा ठीक है सो ए वर्ड हमने यहाँ पकड़ लिया देन सेकंड स्टेप में हमें क्या बैलेंस करना है ऑक्सीजन तो मैंने यहाँ से ओ वर्ड पकड़ लिया और मैंने आपको मीडियम के बारे में ऑलरेडी आइडिया दे दिया है थर्ड में आपको बैलेंस करना, तो करना है हाइड्रोजन तो मैंने वर्ड पकड़ लिया एच और लास्ट में आपको बैलेंस करना है सी मैंने वर्ड पकड़ लिया चार यानी कि सी सो so, उन चारों फर्स्ट लेटर को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये हो जाएगा ए ओ एच सी अब इसे हम लोग जरा शॉर्टकट में बना दें तो हमें याद रहेगा ताकि जब भी हम हाफ रिएक्शन को बैलेंस करें तो अच्छे से इन चारों स्टेप्स को स्टेप वाइज अप्लाई करें सो दो यू नो मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा और वो शॉर्टकट ऐसा है आओ आ ओ कोर्ट कहाँ जाना है भाई हमें कहाँ जाना है हाई कोर्ट जाना है ठीक है आओ हाई कोर्ट तो ये देखो फ्रेंड आ ओ में यहाँ पे ए हो गया ओ एज ओ हाई कोर्ट एच एन सी सो आओ हाई कोर्ट हमें चलना है हाई कोर्ट हमें जाना है हमें हाई कोर्ट नहीं जाना है एक्चुअली हमें इन चारों स्टेप्स को अप्लाई करना है और हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो ये जैसे निमोनिक मैंने दिया है ताकि आप भूले नहीं आप अपने अकॉर्डिंग निमोनिक बना सकते हैं इफ़ यू हैवर ओन बेस्ट निमोनिक वेलकम है आपका बनाइए लेकिन आओ हाई कोर्ट जो भी आप मैंने निमोनिक दिया है वो भी ठीक ठाक ही है आप चाहे तो बना सकते हैं और ये निमोनिक को फॉलो करके आप हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करने वाले हैं सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन वेल नाउ वी आर गोइंग टू टेक एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स एम्पल ऑफ हाफ रियक्शन जहाँ पे हम इन चारों स्टेप्स को स्टेप वाइज अपलाई करेंगे और उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सबसे पहले हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और फिर हम लोग ऐसे कई सारे हाफ रिएक्शन को बैलेंस करके उनको ऐड करके कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की तरफ बढ़ेंगे सो so, चलिए आगे देखते हैं सो फ्रेंड्स हियर आर वी विद सम्पल ऑफ द हाफ रिएक्शन टू बैलेंस दोन अपलाइंग बेसिक रूल्स ऑफ एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड चार्जेस दैट इज ए ओ एच सी तो उन चार रूल्स को अप्लाई करके हम हमारे पास कुछ ऐसे कुछ दस रिएक्शन हैं उन्हें हम बैलेंस करने जा रहे हैं ठीक है तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं ये आपके सामने सबसे पहले रिएक्शन आपको दिख रही है और इसे बैलेंस करना है सो फ्रेंड्स बेसिक रूल्स आपको वही फॉलो करने हैं मैं जो मैंने बता दिया पहला रूल लगाएंगे हम लोग स्टेप वन एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उसे बैलेंस करिए तो यह आपके पास कार्बन है लेफ्ट साइड पे दो कार्बन है राइट right साइड पे एक कार्बन है तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स कि कार्बन बैलेंस हो जाए सिंपल सी बात है आप अगर राइट right साइड में दो मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए इफ़ यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाई टू तो ये हो जाएगा आपका टू सी और आपका कार्बन लेफ्ट और राइट पर बैलेंस हो जाएगा मेरी फर्स्ट है सेकेंड स्टेप में आते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो क्योंकि जैसे ही आपने दो मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया राइट right साइड पे भी चार और लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी चार हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया थर्ड पर आते हैं हाइड्रोजन की बैलेंसिंग अफॉर्चुनेटली इस रिएक्शन में हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है एंड द फाइनल स्टेप इज ऑफ चार्ज लेफ्ट साइड पे दो नेगेटिव चार्ज है राइट right साइड पे जीरो चार्ज अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं देखो फ्रेंड लेफ्ट साइड पे दो नेगेटिव चार्ज है और राइट right साइड पे जीरो चार्ज है तो एलजेब्रा के अकॉर्डिंग बड़ा कौन है माइनस टू बड़ा है कि जीरो बड़ा है वेरी गुड जीरो एक बड़ा नंबर है यानी कि हम मानेंगे कि चार्जेस ज्यादा कहाँ है आर एच एस राइट हैंड साइड पे चार्जेस ज्यादा हैं। तो हमें ये फैसला लगा लिया कि भाई चार्जेस राइट साइड में ज्यादा हैं। अब कितने ज्यादा हैं? लेफ्ट साइड पे दो चार्ज है राइट साइड पे जीरो तो डिफरेंस कितने का हुआ दो का डिफरेंस हुआ चलिए दो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है कहाँ ऐड करना है जहाँ पे चार्ज ज्यादा है और अभी हमने बताया कि राइट साइड में चार्ज ज्यादा है तो दो इलेक्ट्रॉन को आप राइट साइड पर एड कर दीजिए सी टू ओ फोर टू माइनस गिविंग यू टू सी ओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये देखिए आपका ये एक बैलेंस हाफ रिएक्शन आपके सामने आ चुका है यहाँ पर चारों स्टेप अप्लाई नहीं हुए यहाँ पर दो स्टेप्स अप्लाई हुए और दो स्टेप अप्लाई नहीं भी हुए तो ऐसा भी होगा जहाँ पे चारों स्टेप अप्लाई होंगे जहाँ पे चारों अप्लाई नहीं भी होंगे नाउ वी आर इन द सेकेंड इक्वेशन नाउ हियर वॉट इट है और ये सल्फर दे रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सल्फर है और यहाँ पर भी एक सल्फर है तो पहला जो स्टेप है अदर देन यू नीड टू बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो ऑलरेडी बैलेंस है तो फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है सेकंड स्टेप पर आते हैं ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देखनी है तो ऑक्सीजन तो हमारे इस पूरे सिस्टम में दिख नहीं रहा है तो हमें सेकंड स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है थर्ड स्टेप मनाते हैं लेफ्ट साइड पे दो हाइड्रोजन है राइट right साइड पे जीरो है तो डिफरेंस पता करिए फ्रेंड ये दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है यहां पर दो हाइड्रोजन है यहां पर जीरो हाइड्रोजन है तो डिफरेंस निकाल दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया अब आपको दो हाइड्रोजन को ऐड करना है कहा ऐड करना ये बड़ा सवाल है एसिडिक मीडियम है ऑफकोर्स आपको वहां पर ऐड करना पड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है यानी कि राइट हैंड साइड पर तो ये देखिए फ्रेंड एच टू एस एच प्लस सल्फर एंड एनियन टू एड टू एच प्लस क्योंकि आपके पास दो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर है अगर आप ध्यान से देखेंगे लेफ्ट साइड पर जीरो चार्ज है और राइट साइड में दो पॉजिटिव चार्ज है तो अब आप बताइए यहाँ पे जीरो चार्ज है यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज ज़्यादा कहाँ पर है वेद चार्जेस आर मोर चार्ज ज्यादा है राइट हैंड साइड पर करेक्ट दो पॉजिटिव ज्यादा होता है कि जीरो ज्यादा होता है तो दो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो क्योंकि चार्ज राइट साइड में ज्यादा है आपको इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड करना पड़ेगा अब बड़ा सवाल कि इलेक्ट्रॉन कितना ऐड करना है तो उसके लिए सिंपल सी बात है लेफ्ट साइड पर जीरो चार्ज है देर इज नो चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बट देर आर टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड सो यू नीड टू एड टू इलेक्ट्रॉन्स राइट वाई बिकॉज द डिफरेंस इज ऑफ टू सो टू इलेक्ट्रॉन्स वी आर गोइंग टू एड एच टू एस एच प्लस प्लस टू एच प्लस plus 2 electrons so this is your balanced half reaction for this particular example now we are moving to the third example now let us see let us zoom in a little bit yeah the third example we have and let us apply the very first step you need to balance atom other than hydrogen and oxygen friends here the atom which is other than hydrogen and oxygen is that is nitrogen but fortunately you know fortunately the atom nitrogen is already balanced so you don't need to apply step 1 go ahead with step 2

in presence of h plus giving you ammonia you'll be adding three water molecule onto the right hand side now you have applied step two successfully now go ahead with step three now friends you are having hydrogens now if you see what i gave you in the step two rule uh, if you are adding water molecule let's say one then you need to add double the number of h plus onto the left hand side or onto the opposite side where you have not added water सो इफ यू फॉलो दैट ऑर्गमेंट सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तीन पानी के मॉलिक्यूल मतलब सिक्स एच प्लस मुझे ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में बट उसके अलावा तीन हाइड्रोजन अमोनिया के एडिशनली भी हैं तो अगर आप टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे यहाँ पर सिक्स हाइड्रोजन यहाँ पर तीन यहाँ पर तो टोटल नाइन हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर तो नाइन हाइड्रोजन है मतलब आपको नाइन एच प्लस ऑपोजिट साइड में ऐड करने पड़ेंगे तो मैंने ऐड कर दिया नाइन एच प्लस एन ओ थ्री माइनस इन इन एसिडिक मीडियम विल गिव यू एन एच थ्री

आपको आठ इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे अगला सवाल कहां ऐड करना है आठ इलेक्ट्रॉन जहां पे चार्ज ज्यादा है सो so, डेफिनेटली चार्ज आपका लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है सो so, आप क्या करेंगे प्लस एट इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम विल गिव यू अमोनिया प्लस थ्री एच टू दिस इज योर बैलेंस्ड हाफ इक्वेशन फॉर द थर्ड एग्जाम्पल Now, let's move for the fourth question. We have S2O3 2 minus converting into s 40 2 minus in acidic condition. Now, let us apply the very first step. You need to balance atoms which are other than hydrogen and oxygen. Now, here the atom of interest is sulfur, and on, on to the left hand side we have 2 sulfur, while on to the right hand side we have 4 sulfurs. So, in order to balance sulfur, the simple thing which you need to do you know what to do? Multiply by 2. So, where you can multiply to here 2s2o3 two, 2 minus will give you s4o6 2 minus. You have multiplied it by 2. Here is the very first step. Now, go for the next step. If you see the next step, here you are having now you have to balance oxygen. If you see here, 6 oxygen atom is there on to the left hand side, and here also 6 oxygen atom is there. So, oxygen atoms are equal, correct? So, you don't need to balance oxygen atom. Oxygen atoms are equal, so you know you don't need to balance oxygen atom. Now, let us move for the further steps. Now, it's, it's, it's time for hydrogen. But fortunately, this reaction do not contain hydrogen. So, you don't need to balance, you know, hydrogen. Now, let's go for the last and the final step. Last and the final step. You need to add, you need to balance charge. Friends, if you check, on the left-hand side, you have 4 negative charge, while on the right-hand side, you have 2 negative charge. Now, as per algebra, which number is more? As per algebra, which number is more? Definitely, minus two is greater than minus four. So we will consider that more charges are there onto the right-hand side, and you are, you are going to add electrons. Now, how much electron are you going to add? Just find out the difference between four and two. Of course, it is two. You need to add two electron onto the right-hand side. It's four o six two minus plus two electron, and this is how this equation is balanced. We have applied only. टू स्टेप्स आउट ऑफ फोर आई थिंक अभी तक किसी भी रिएक्शन में हमने चारों स्टेस अप्लाई नहीं किए थर्ड वाले रिएक्शन में हमने तीन स्टेप्स अप्लाई किए देखते हैं कहां पर हमारे चारों स्टेप्स अप्लाई होंगे या आ गई आपके पास फिफ्थ इक्वेशन और यहां पर मीडियम में चेंजेस है ये मीडियम है आपका बेसिक दिस इज योर बेसिक मीडियम सो लेटेस टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से प्रॉपर स्टेप उन अप्लाई करते हैं विच आर आइटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सो यू हैव क्रोमियम एंड आयोडीन विच आर अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू रेटू बैलेंस दें हाउ यू कैन डू दैट सी फ्रेंड्स अब आपको सिंपल uh, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे करना है क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस है आपको सिर्फ आयोडीन बैलेंस करना है तो तीन आयोडीन एल एच एस में है और आपको एक ही दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आर एच एस का आयोडीन बैलेंस हो जाए हाँ आपके दिमाग में जो भी नंबर आया है, वो एकदम सही आया और जो भी समझ आई है एकदम सही समझ आई है ओ एच माइनस सी आर ओ फोर टू माइनस प्लस यहाँ पे आपको क्या करना है थ्री टाइम्स आई ओ थ्री माइनस इस तरह से आपने आयोडीन आइटम बैलेंस कर लिया तो क्या आपने स्टेप वन को सक्सेसफुली अचीव कर लिया आंसर yes. है यस क्रोमियम बैलेंस है आयोडीन बैलेंस है नाउ गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप नाउ हियर यू नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन इफ यू चेक ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव फोर ऑक्सीजन प्लस नाइन ऑक्सीजन दैट मीन्स टोटल थर्टीन ऑक्सीजन नाइन प्लस फोर इज थर्टीन ऑक्सीजन यू हैव ऑन द राइट हैंड साइड वाइल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू डोंट हैव एनी ऑक्सीजन सो जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन विच यू हैव सो राइट साइड पे आपके पास है टोटल थर्टीन यहाँ पर है जीरो थर्टीन माइनस जीरो का डिफरेंस थर्टीन होता है तो आपको तेरह यानी कि थर्टीन पानी के मालिक ऐड करने पड़ेंगे सो so, हमें ये पता चल चुका है कि कितना पानी ऐड करना है आप सवाल ये है कि कहाँ ऐड करना है तो फ्रेंड यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है रूल्स को वापस ही गो थ्रू कर लीजिएगा बेसिक मीडियम है ओ एच माइनस है आपको पानी वहाँ ऐड करना है जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अगर उस रूल को फॉलो करेंगे तो ये देखिए सीआरआई थ्री इन बेसिक मीडियम विल गिव यू सी आर ओ फोर टू माइनस प्लस थ्री आई ओ थ्री माइनस प्लस हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल यू नीड टू ऐड थर्टीन वाटर मॉलिक्यूल थर्टीन वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड कर दिया ठीक है पहले आपने ये पता करिए कि डिफरेंस कितना ऑक्सीजन का तो आपको पता चला कि तेरह डिफरेंस है तो आपने तेरह पानी ऐड करना है कहां ऐड करना है जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है ठीक है ये आपने अप्लाई कर दिया स्टेप टू अब स्टेप थ्री हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो क्योंकि ये बेसिक मीडियम चल रहा है तो ऑफकोर्स हमको एचमएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब आप सारे ऑक्शन काउंट कीजिए की चार यहां पर थ्री थ्री जन नाइन नाइन प्लस फोर कितना होता है फ्रेंड्स कितना होता है फ्रेंड्स फ्रेंड्स सो अब आप देखिए यहां पे कितने ऑक्सीजन है आपके पास ठीक है आप जरा ध्यान से देखिए कितने ऑक्सीजन है ट्वेंटी सिक्स ऑक्सीजन है यहाँ पे जीरो है लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं ट्वेंटी सिक्स हाइड्रोजन है तो 26 हाइड्रोजन अगर आपके पास राइट right साइड में दिख रहा है और रिएक्शन बेसिक मीडियम में चल रहा है तो आप कितना ओ एच माइनस डालेंगे ठीक है आप कितना ओ एच माइनस डालेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही बैलेंस हो जाए यानी कि एक तीर से दो दोनों निशाने हमारे लग जाए तो देखिए फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे चार ऑक्सीजन यहाँ पे नाइन ऑक्सीजन और यहाँ पे थर्टीन तो ऐड करेंगे तो हो गया फ्रेंड ट्वेंटी सिक्स ऑक्सीजन यानी कि वी नीड टू ऐड ट्वेंटी सिक्स ओ एच माइनस प्लस सी आर आई थ्री इन बेसिक मीडियम सी आर ओ फोर टू माइनस प्लस थ्री आई ओ थ्री माइनस प्लस ने एड कर दिया ट्वेंटी अब आप देखिए फिर मैंने कहा था ना एक तीर से दो निशाने लगने वाले हैं कैसे देखिए आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया और ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया थर्टीन इंटू टू ट्वेंटी सिक्स होता है ट्वेंटी सिक्स हाइड्रोजन यहां पर भी आ गया तो यहाँ पर आपने स्टेप थ्री को भी सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है स्टेप फोर की तरफ बढ़ते हैं लेट इस मूव फॉर स्टेप फोर स्टेप फोर में अगर आप देखेंगे आपको चार्जेस बैलेंस करना है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपके पास ट्वेंटी सिक्स नेगेटिव चार्ज है ट्वेंटी सिक्स नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आपके पास है टू नेगेटिव एंड थ्री नेगेटिव यानी कि फोर नेगेटिव चार्ज चलिए बता दीजिए फ्रेंड फटाफट बता दीजिए अल्जुबरा के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर बड़ा है यस माइनस फोर इज बिगर नंबर तो हम लोग कंसिडर ये करने वाले हैं कि चार्जेस ज़्यादा कहाँ पर हैं राइट हैंड साइड पे तो आप कितना अब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स थे, थे यहाँ पे 4 थे डिफरेंस हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी तो आपको ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन ऐड करना है यस ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन ऐड करना है जहाँ पे चार्ज ज्यादा है यानी कि राइट हैंड साइड में सो so ये हो जाएगा फ्रेंड ट्वेंटी सिक्स ओ एच माइनस प्लस सी आर आई थ्री विल गिव यू इन बेसिक मीडियम ऑफकोर्स विल गिव यू सी आर ओ फोर टू माइनस प्लस थ्री आई ओ थ्री माइनस प्लस एच टू ओ प्लस ट्वेंटी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वेल ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपके पास छब्बीस और वहाँ पर आप, आप अब आप देखिए फ्रेंड अब आप बैलेंस कर सकते हैं क्या ये देखिए थ्री नेगेटिव थ्री नेगेटिव चार्ज एंड टू ने Is ट्वेंटी negative charge, right? Okay, कहीं पे mistake हुई है क्या Let me check once again carefully. थ्री minus टू minus कहीं तो गड़बड़ हो गया friends. यहाँ पर calculation में थोड़ी गड़बड़ हो गई है चलो वापस उसको rectify कर लेते हैं negative नेगेटिव negative, negative होता है. और यहाँ पर आपके पास ट्वेंटी सिक्स वो एच मानेस ट्वेंटी सिक्स माइनस एंड फाइव नेगेटिव तो आपके पास difference है ट्वेंटी वन का तो आप ट्वेंटी टू नहीं add करेंगे आप ट्वेंटी वन add करेंगे तो ये छोटी सी mistake हो गई मैं इसको कर देता हूँ correct

जो कि आपका अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट में आ जाइए आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है और रिएक्शन एसिडिक वीडियो में चल रहा है तो यहाँ पे सात ऑक्सीजन है यहाँ पे सात ऑक्सीजन है और यहाँ पर आपके पास जीरो ऑक्सीजन है तो सात ऑक्सीजन और जीरो ऑक्सीजन कितने का डिफरेंस हुआ फ्रेंड सात का डिफरेंस हो गया ठीक है सेवन ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीजन आपका सेवन का डिफरेंस हो गया आपको सात पानी के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं कहाँ ऐड करना है जहां पे ऑक्सीजन कम है क्योंकि एच प्लस आपका मीडियम एसिडिक चल रहा है तो आपको पानी वहां ऐड करना है जहां पर ऑक्सीजन कम है सो तो ये हो जाएगा हैटिंग इंटू टू सी आर थ्री प्लस प्लस सेवन एच टू ओ ये देखिए आपने ऐड कर दिया जैसे ही आपने पानी ऐड किया अगला स्टेप है आपका हाइड्रोजन बैलेंसिंग का लेफ्ट साइड पे 14 हाइड्रोजन है राइट right साइड पे जीरो हाइड्रोजन है डिफरेंस हो गया 14 का आपको 14 एच प्लस एड करना पड़ेगा तो जस्ट ऐड 14 एच प्लस प्लस सी आर टू ओ सेवन टू माइनस कन्वर्टिंग इनटू टू सी टू सी आर प्लस प्लस सेवन एच टू एंड द लास्ट एंड द फाइनल यूनिट टू बैलेंस चार्ज लेफ्ट साइड पे 12 पॉजिटिव चार्ज है कैसे ट्वेल्व पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब बारह पॉजिटिव यहाँ पे सिक्स पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा कहां पर है कोर्स लेफ्ट साइड पे तो आपको वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे कितने ऐड करने पड़ेंगे बारह पॉजिटिव और छः पॉजिटिव का डिफरेंस कितना हुआ छः इलेक्ट्रॉन का तो ऐड कर दीजिए फोर्टीन एच प्लस प्लस सी आर टू ओ सेवन टू माइनस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन विल गिव यू टू सी आर थ्री प्लस प्लस सेवन एच टू हो गया आपका कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फॉर द दिक्स एग्जाम्पल आर मूविंग अहेड फॉर द सेवंथ एथ एंड नाइन्थेंथ एग्जाम्पल तो सेवंथ एग्जाम्पल पहले देखेंगे हम लोग स्टेप वन अप्लाई करते हैं एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कैच है फ्रेंड जरा समझो उस बात को अब यहाँ पे जो स्पेक्टेटर एंड की जो डेफिनेशन है कि हम कहते थे ना कि आपका H प्लस ओ एच माइनस एंड वाटर उसको हम स्पेक्टेटर आयन बोलते थे ठीक है अभी भी बोलेंगे उसको लेकिन आ, कभी कभी स्टूडेंट्स अपने माइंड में ये बिठा लेते हैं कि ऑक्सीजन भी एक स्पेक्टेटर आयन है देखो ऑक्सीजन सच एक अलोन एक स्पेक्टेटर आयन नहीं हो सकता ठीक है काफ़ी सारे रिएक्शन में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है जैसे कि इसी रिएक्शन में आप देख लीजिए यहाँ अगर आप देखेंगे सो एच टू ओ टू गिविंग यू ओ टू ठीक है चलो देखते हैं ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस है आपको हाइड्रोजन तो आपको फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि आपके पास यहाँ पे एटम अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है भी नहीं सेकेंड स्टेप में आप आएंगे तो ऑक्सीजन आपको बैलेंस मिलेगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे दो ऑक्सीजन है राइट साइड पर दो ऑक्सीजन आप सीधा थर्ड पर आ जाइए यहां पर अगर आप देखेंगे एच टू ओ टू दो है मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है यहाँ पे जीरो है तो डिफरेंस आ गया दो का आपको ऐड करना पड़ेगा टू एच प्लेस कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है यानी कि राइट हैंड साइड पर जैसे ही आपने ऐड कर दिया आपको चार्जेस के बारे में सोचना है लेफ्ट साइड पे जीरो चार्ज है राइट साइड पे दो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि चार्जेस ज्यादा राइट साइड में है तो आपको वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस दो का है और कहाँ ऐड करना पड़ेगा जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो ये देखिए ये हो गया इसका बैलेंसिंग अगला एच का ही रिएक्शन है जो एच में कन्वर्ट हो रहा है इस बार तो कोई बड़ी बात नहीं भाई देख लेते हैं एच कन्वर्टिंग इन टू एच सो आपको फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है आप सीधा सेकेंड स्टेप पर आ जाइए यहाँ पर आपने कर दिया टू एच टू ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हाइड्रोजन यहाँ पे चार है यहाँ पे दो है अब आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स टू एच प्लस ऐड करना पड़ेगा ऑफकोर्स जहाँ पर एच प्लस कम है तो टू एच प्लस प्लस एच टू ओ टू गिविंग यू टू एच टू ओ टू अच्छा अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ फ्रेंड्स ठीक है ये समझते हुए कि अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं इसके बाद आपको चार्जेस को बैलेंस करना है तो लेफ्ट साइड पे दो पॉजिटिव चार्ज है राइट right साइड पे जीरो है तो डिफरेंस दो का है और आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं टू एच प्लस प्लस एच टू ओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल गिव यू टू एच टू ओ ठीक है ये हो गया आपका एथ एग्जाम्पल तो यहाँ से एक बड़ी खास बात आपको समझनी पड़ेगी एच टू ओ टू बड़ा ही स्पेशल तरीके का कंपाउंड है अगर आप इन दोनों इन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे तो आपको ये एक इक्वेशन मिल जाएगी एच टू ओ टू गिविंग यू एच टू ओ प्लस ओ टू एच टू ओ टू गिविंग यू एच टू ओ प्लस ओ टू यहाँ पर टू एच टू ओ कर दीजिए और ओ टू कर दीजिए ये देखिए यहाँ पर ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी आप इन दोनों को बस ऐड कर दीजिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए आपको ये एक रिएक्शन मिल जाएगी हूँ क्या पता चलता है यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है वाटर में और ऑक्सीजन में गैस में ठीक है यहां पे H2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर है ओ का माइनस वन यहां पर है माइनस टू और यहां पर है जीरो सो तो माइनस माइनस टू डिक्रीज है यानी कि रिडक्शन है माइनस इंक्रीज है यानी कि ऑक्सीडेशन है तो ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीशन को हम लोग क्या बुलाते हैं फ्रेंड्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो एच टू ओ टू डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है एच टू ओ एंड ओ टू में सो so फ्रेंड्स अब हम लोग नाइन्थ एग्जाम्पल की तरफ पहुंच चुके हैं हमें ये इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है सो स्टेप वन करते हैं यहाँ पर uh, अगर आप देखेंगे आपके पास आइटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है आयरन और सल्फर आयरन यहाँ पर एक है और यहाँ पर आयरन दो है यहाँ पर आयरन यहाँ पे सल्फर दो है और यहाँ पे सल्फर एक है चलिए इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एफ गिविंग यू एफ प्लस तो इसे बैलेंस करते हैं आयरन अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो है यहाँ पर एक है तो मल्टीप्लाइड बाई टू अब उसमें सल्फर यहाँ पर चार हो चुका है टू टू ज़ा फोर यहाँ पर आप कर दीजिए फोर ये आपका सल्फर भी बैलेंस हो गया नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं हम लोग अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की सो so, फ्रेंड यहाँ पे फोर टू ज़ा एट एट प्लस थ्री इलेवन अगर आप ध्यान से देखेंगे फोर टू ज़ा एट एट प्लस थ्री इलेवन ऑक्सीजन आइटम राइट साइड में यहाँ पर जीरो है इलेवन माइनस जीरो डिफरेंस हो गया इलेवन का आपको इलेवन वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे कहा ऐड करने पड़ेंगे वेयर ऑक्सीजन एटम्स आर यू नो लेस या फिर नहीं है सो so, यहां पर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा फिर टू एफ ई एच टू प्लस इलेवन एच टू ओ गिंग यू एफ ई टू ओ थ्री प्लस फोर एच ओ टू नेक्स्ट वन अब हाइड्रोजन की बारी अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ट्वेंटी टू हाइड्रोजन है राइट साइड पर जीरो है तो डिफरेंस कितने का होगा फ्रेंड? ट्वेंटी का आपको ट्वेंटी टू एच प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा राइट right साइड में सो so दैट आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए सो एलेवन एच टू ओ गिविंग यू एफ टू ओ थ्री प्लस फोर एच ओ टू प्लस ट्वेंटी टू एच प्लस नाउ द लास्ट स्टेप इफ़ यू सी लेफ्ट साइड पर जीरो चार्ज है राइट साइड पर ट्वेंटी टू पॉजिटिव चार्ज है तो चार्जेस कितने कहाँ पर ज्यादा है राइट साइड पर और डिफरेंस कितने का है जीरो और ट्वेंटी टू का डिफरेंस कितना है ट्वेंटी टू तो आपको ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन एड करना पड़ेगा राइट right साइड में सो टू एफ ई एस टू प्लस एलेवन एच टू ओ एफ ई टू ओ थ्री प्लस फोर एस ओ टू प्लस ट्वेंटी टू एच प्लस प्लस ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन ठीक है फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसे बैलेंस कर लिया है सो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन बाय अप्लाइंग ऑल द फोर स्टेप एंड नाउ वी आर हियर इन द लास्ट एग्जांपल लेट अस राइट द रिएक्शन HNO3 टर्निंग इनटू HNO2 नाउ इफ यू सी एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज नाइट्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड नाउ नो नीड टू एग्जीक्यूट स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर टू इज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे तीन है राइट right साइड पे दो है डिफरेंस हो गया एक का आपको एक पानी का मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा कहाँ ऐड करना पड़ेगा जहाँ पे पानी कम है और एसिडिक मीडियम है तो ऑफकोर्स कम वाली जगह पे ऐड करना यानी कि राइट साइड पे उस चक्कर में फ्रेंड्स हाइड्रोजन आप देखिए यहाँ पे तीन हो गए राइट टू एच और यहाँ से एच तीन हो गए यहाँ पे ऑलरेडी एक एच है तो आपको कितना एच प्लस एड करना पड़ेगा टू एच प्लस HNO3, HNO2, प्लस एच एन ओ थ्री विल गिव यू एच एन ओ टू प्लस एच टू ओ नाउ द लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दो पॉजिटिव चार्ज है करेक्ट और राइट right साइड पे जीरो चार्ज है डिफरेंस कितने का हुआ फ्रेंड दो का और चार्जेस ज्यादा कहाँ पर है लेफ्ट साइड पे तो आप ऐड कर दीजिए टू इलेक्ट्रॉन विल गिव यू एच एन ओ टू प्लस एच टू सो विद दिस टेन एग्जाम्पल आई टॉट यू द बैलेंसिंग ऑफ हाफ इक्वेशन नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ हाफ रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन आर बैलेंस पर हाफ रिएक्शन में सर सर बहुत आसान है एक्चुअली जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक हिंट दे दिया था कि अगर एच टू और टू का यह रिएक्शन आता है और इसे बैलेंस करने के लिए कहते हैं तो हम लोग ने इंडिविजुअुअल बैलेंस किया और बाद में उन्हें ऐड कर दिया और हमने इस बात का ध्यान रखा कि इक्वालाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है तो क्योंकि इक्वालाइजेशन ऑफ इक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो हमें हमने उसे डायरेक्टली एड कर दिया अब कहीं कहीं जगह पर इक्वाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हमें वो नंबर चूज करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसे ऐड करना पड़ेगा तो इससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट सेशन में इसी वीडियो के नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं